ससुर संपत। बड़े प्यार से आरती को बुलाया अपनी कोठरी में। हाय हाय हाय, बोला बेटा कुछ बातें हैं, आरती हमारे रूम में चले आना। आरती बेचारी अपने ससुर की बात का पालन करती है और अपने ससुर के रूम में चली जाती है। अंदर से सिटकिनी संपतवा बंद कदलस। अब बंद कहके कैलस का मास्टर एक लाइन गीत लगलवा। कि कोरी कहता रे आशा सोदा गया जमावली, अरे कोरी कहता रे आशा सोदा गया जमावली, अमरी तो डालली चोरनवा राधा हो सादा मन मोरा। संपतवा कहत बा बेटा तुझे भी गम है, देखा इमोशनल अत्याचार, तुझे भी गम है मुझे भी गम है बेटा, क्योंकि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था संजय, शहीद हो गया बेटा, आज बहुत दर्द है। लेकिन कहत गवा बाबू चल, देखिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप ए महफिल में, हम तो आपका नाम ले भर के नखे बनी लेबू ना तो जानी है कहाँ से लोग, लेकिन नाम लेना बड़ा अनिवार्य है अपने मंच के माध्यम से। क्यों नाम लिया जाता है लेकिन पैसा लहले के बाद अरे पागल सम्मान के साथ इनके तो खाली पैसे ही पैसा लगा था। नाम लिया जाता है अपने से बड़े लोगों का लेकिन सम्मान के साथ। आप माननीय धनी लाल यादव जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कलन की देखिए स्वर्गीय रामदेव गुरु के धुन पर सिर्फ हम ही उतर रहे हैं। वाह, तो देखिए आपका प्यार है आशीर्वाद है। हम बतावत बनी बिरहा में अक्सर हमारे साफ सुथरा पई है, ज्यादातर स्वर्गीय रामदेव गुरु के पई है। ए, आप लोगों का अच्छा स्वर्गीय रामदेव गुरु का धुन सबके बस कना की सब गाय दे जे गावा लो जल्दी स्वर्गीय होला। सच्चाई बा गावे खातिर कलेजा चाहिए। अरे आजकल लड़की बिरहा का गावती तो कमर हिलावे चल रही, बिरहा के ऑर्केस्ट्रा बना दिली। बुढ़ऊ लोग तो नाचे ही शुरू करे हम तो देखिए चलिए अपना अपना विचार है जेकर जैसे चले। अभी देखिए सुंदर पुष्पहार और 501 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। मैं धनीलाल यादव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान करी। कल सबसे बढ़िया काबे में तेरा जलवा और फिर सासू कोरी कहतरिया सासू दहिया जमावली के मास्टर एक बार दोहरा दा। हाँ दोहरा देत बनी कि कोरी कहता रे आशा सोदा गया जमावली, कि कोरी कहता रे आशा सोदा गया जमावली, अमरी त डालली जोरनवा राधा हो कादा मन मोहे।
बंद बा। आरती से कहलस का कहलस फौजिया जे मऊतिया के की मातिया। हालस फौजिया जे मऊतिया के की मातिया। आ रुपया ई हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजरी हमार। रुपया जमा तू कह हमारा के नाम से खर्चा कराब खाली तो हराही काम से। आपस में कैली है झगड़ा बेटी हो आप मेरे तुंज दुला। भाई देखा बुढ़ावा का नियत खराब। बुढ़ावा कलश बेटा जो होना था हो गया। बेटा तो मेरा चला गया, संजय तो वापस आएगा नहीं। लेकिन जो अभय मृत्युंजय जो रोज झगड़ा लड़ाई आपस में करते हैं तो इस लड़ाई की जड़ बेटा तुम हो। आरती कले बाबूजी लड़ाई की जड़ मैं हूं, आखिरकार कैसे बाबूजी कुछ तो बताइए। संपतवा कलश बेटा जो 10 लाख रुपया शहीदी राज तुझे मिली है ना वो हमारे नाम से ट्रांसफर कर दो। अब मैं वादा करता हूं जब भी 1 रुपया खर्च करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम से, बाकी किसी और के नाम से नहीं। अच्छा मल्ला आरती के खाता में बात तो वो नुकसान करत बा, आओ इस संपतवा के खाता में आ जाई तो फायदा करी। आरती ए बाबू हथवा जोड़ के लगल कांपे हो आ कांप के अपने ससुर के पैरवा पर गिर के बड़ी ऊंची बात कहलस बाबू। पत्थर से कलेजा पिघल जाई। का कहली मास्टर? अरे मोरे राम रुपया तोहके लौके बाबूजी जिया तलाश हो गई ले पोता यार पतोहिया यार पतोहिया यार पतोहिया। कहला सारथी बाबूजी मैं तो विधवा हो गई हूँ। आप पैसे की बात कर रहे हैं, मुझे पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं क्या मालिक का बिगाड़ी थी जवनी में मैं विधवा बन गई। सारी उम्र मेरी बची है पिता से। बाबूजी मैं जी रही हूं ना 1 लाश बनकर के सिर्फ। आप संपतवा समझ गए कि पैसा दे ही ना। मारे गुस्सा में लाल संपतवा आयल दुआरे वही चारपाई पे पैर पे पैर चढ़ाई के बकायदे बैठल ऐसा ही पसीना पोछत बा। पसीनवा पोछत मारे गुस्सा में बुढ़िया के बलौलस कलस का ए बुढ़ा अरे मर गईलू का अवा एक लोटा पानी लेके। बुढ़िया भागल भागल पानी लिए अपनिया लेके ऐसे ही खड़ी बा। बुढ़ावा का पसीनवा देख के बुढ़िया घबराई गई। हाय 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 पनिया का लोटवा का पनिया धैलस। अब बुढ़ऊ के यहर वहर लगल टोवे। हां देखिए गायब तना भय का गायब बल बोला साहब बोला वैसे पागल बुढ़िया लगल टोवे कहे बुढ़ऊ तोहर तबीयत ठीक बा ना? अरे कैसन पसीना मत बा। अरे बुढ़वा कलस रे बुढ़िया का बताई रे। अरे यरतिया 10 लाख रुपया का पौलस ई तो छोटकी जहाज बन गई। ई आसमाने उड़त बा जमीन पर एकर पैरवे ना पड़त बा। अरे आज ओके घरवा में लिया के गईली है। 2 घंटा चिरौरी करी देवे तैयार है नहीं भाई। आ बुढ़िया लगल सन का तहर भला हो जाए बुढ़ाई ना देखत हुआ। आरतिया की हा गेल ला चोखा यल ला
हमारी गलहनी है बुढ़वा कला सुन आ? सुन अरे वो 10 लाख रुपयवा का बात कर थैला अब तो बुढ़िया का चानी न हो गई अब लगल पेच बुढ़ऊ कहीं कल से बुढ़ऊ तो हसे तो हम पहले ही कहली कुलक्ष्मी बा ई डाइन बा हमारे लाल के उत खाए गई हो राम करमऊ हो रमऊ अल्लाऊ के खैला हो रमऊ तो हम जल्दी खाई अच्छा इनके काहे खाई हाँ संपता भाई रामपत हरामी हो अच्छा ये बिरहा करुण रस हो देखा ये हास रस बनो तो पागल कहीं गए लगल बुढ़िया रोवे कि रमऊ हो रमऊ बुढ़वा कले बुढ़िया चुप चुप बुढ़ौती आ गेल त खाइल पौली का खाई चार दिन में रे हाय अरतिया खाई रे सुन हमहन पूरा परिवार मिल के अरतिया के खायल जाई वाह ऐसन खायल जाई ना केहू टोला मोहल्ला का पता ना पाई जवन बची होके चाट कोरवा दी है जाई आप बुढ़वा दिमाग लगौलस बाबू देखिए क्या ऐसा परिवार में होना चाहिए धरती पर सबके जियले के अधिकार बा ए चचा ए चचा पीली गमछी वाला चचा ज्यादा 40 साल बाद थाम ना ही पावन लोग अच्छा अच्छा जाई तो ठीक बा बात पर गौर करे बाबू अब का कैलस कहाँ पहुँचे रमऊ हो रमऊ अब वह काम कैलस संपतवा कलस की आज के दिन से घर में अरतिया का खाना पानी देखे मेरे बाबू ये भैया ए बटल वाला भाई कमेटी खुआ हल्ला कर हंसत तो ऐसा हुआ अगर बिया ना पड़ल हुई तो खतरे में होगा खतरा से खाली ना ही हूँ ना एक कमेटी के लोग हंस सके ना हल्ला कह सके ना ऐसे ही हंसे में ठे लड़का का बिया कट गया अब वही लेना भैया तो हंसा वो झटके में पावर ब्रेक ले ला जकरे ना रहे तो माथे झोंकबे करे बिरहा पर ध्यान दे बाबू खाना बनत बा पूरा परिवार खाए हो भैया लेकिन अरतिया बेचारी का भोजन ना बने कब तक उपवास रहेगी धीरे धीरे समय बीतल बा आरती की तबीयत खराब हो गई और जो बच्चा मासूम माँ का स्तन पीता था दूध पीता था वो बच्चा भी बीमार पड़ गया लेकिन एक बहू अपने लिए कदम बाहर नहीं निकाली एक माँ होने के नातकारे घर से आरती बाहर निकल जाती है हाय 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 क्यों परिवार में बहुत कही मेरे बेटे की तबीयत खराब है इलाज करवाइए लेकिन मेरे बाबू परिवार में कोई सुनता नहीं है जब आरती अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल गई बच्चे को देख करके डॉक्टर साहब आवाक हो गए अरे इस बच्चे की तो बहुत नाजुक हालात है इस बच्चे को 2-4 दिन पहले मर जाना चाहिए था कहाँ इसकी प्राण अभी बची है किसका बच्चा है बुलाइए ले जाओ घर इलाज नहीं होगा आरती टूट गई मेरे बाबू हथवा जोड़ के लगली आरती रोवे डॉक्टर साहब आप सेकंड गार्ड है छोटका भगवान बानी डॉक्टर साहब हम बहुत विपत का मारल बानी हो डॉक्टर साहब 4 दिन पहले आपके पास आ गल हुई थी लेकिन हमार बात सुनी है आप तो साहब आपके बर्दाश्त ना हुई डॉक्टर साहब बोले क्या बात है बोलो कहे साहब मैं विधवा हूँ मैं एक शहीद की पत्नी हूँ सर मुझे 10 लाख रुपया मिली है उसी पैसे के चलते मुझे परिवार में लोग मारते हैं पीटते हैं सताते हैं यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते मेरा बेटा ये कही है साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगी साहब डॉक्टर साहब को दर्द आया ले जा करके बाबू इलाज करने लगते हैं बारे दुनिया के मालिक वो मालिक सुन लहल वो बचवा के धीरे धीरे आराम होके लगल जब आराम हो गयल तो डॉक्टर साहब कहले कि आरती आपका बेटा स्वस्थ है आप घर ले जा सकती हैं लेकिन
30,000 रुपए की जरूरत है। अब आरती कहाँ 30,000 पाएगी? दिमाग लगाती है, जाती है कुछ बैंक से पैसा निकालती है और कुछ लोगों से उधार लेकर के 30,000 बना लेती है। अब चलती है डॉक्टर के पास, तबले भैया हो गजब हो गया, वो पपियवा संपतवा सारा लोकेशन अपने मुट्ठी में रख ले रहल। 1,00,000 रुपया में 4 गो बदमाश खोजले रहल आरती के मारे बदे, हाय हाय हाय, और आरती के बेटा के चारों गैलन वही नहरी के पुलिया पर बैठल हुआ इंतजार करत हुआ आरती आएगी। आरती आई है बाबू, एक पहचान गया। देखिए तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आरती है। क्यों, बाल बिखरा है, सफेद साड़ी में है, पागल जैसा लग रही है। तो एक बदमाश उसमें से बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट, आप आरती हैं? तो आरती रुक गई, हाँ हाँ भैया, हाँ मैं आरती हूँ। हाय हाय हाय, अच्छा आपका पति संजय सहित? हाँ 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 भैया, हाँ हाँ मैं उन्हीं की बीवी हूँ। हाँ भैया, आरती समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। आरती रुक गई, बस पूछ लेती है, सर आप लोग के इतने में भैया हो? वो पपियवा यह मुहवा पकड़ के दाब दहलस, आ एक मिला ऐसे ही हथवा पीछे कई के चढ़ाए दहलस, आई है बाल पकड़ के बाबू खसीटते हुए लाया जो नहर का पुलिया बा, ऐसे ही रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही रहरिया के खेतवा में ले जाए के बाबू आरती के उठाई के पटक दहलस। पटक के छतिया पे चढ़ के हो बाबू लातन घुसन मारे शुरू कैलन। आरती चिल्लाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, क्या कहती है मास्टर साहब? सौका सिंह रवाजे कर छिनल गोसाइया, यारे छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू मारे। ए भैया काहे लोग मारत है यार, हम तो खुद मर गल मानी जके वो दुनिया का मालिक हम हुआ धल, अब मरले पर से मारत हुआ। फिर एक बात कहती है, क्या डेंगू भायल बा हमारे हाल हर सुगा लावा के, हाल हर सुगा लावा के रहला जरूरत तिहार के, डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे जनुराता उजड़ल भैया कोखिया ऊचारा जाने, कोखिया ऊचारा जाने अखरे रुपया परिवार के। आरती बोलती है, भैया अरे आप लोग क्यों मार रहे हैं, मैं कई दिन की भूखी हूँ, बहुत तेज चोट लग रही है, भैया मत मारिए मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मान रहे हैं। आरती समझ गई जो मेरे पास 30,000 है इसी पैसे के चलते लोग मार रहे हैं, तुरंत बैग खोलती है और निकाल के 30,000 रुपया उन पापियों के हाथ में रख देती है। भैया पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए भैया, मेरा बेटा हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प के मर जाएगा। फिर भी वो पापी क्यों माने, उन्हें तो 30,000 रुपया ए प्लस हो गया। तब तक बाबू बताया जाता है, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया। फौजी जवान फोन को रिसीव करता है,
आज चीखने चिल्लाने की आवाज कहीं से सुनाई दी। फौजी जवान बोला, भाई फोन रख। तो रख दिया फोन। अब इधर उधर देखा फौजी जवान, कुछ पता नहीं चला। जब झुक करके अरहर के खेत में देखले बाबू, तो एक औरत के ऊपर चार पापी झूठे हैं। पारे हिंदुस्तान के फौजी जवान कंधे पर बैग था बाबू, निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया। जब आरती के पास जाता है तो चारों बदमसवा चार दिशा में, लेकिन है फौजी जवान, दौड़ा करके एक पापी का यही कालर पकड़ा, खसीटते हुए लाया, वही आरती के समनवा उठाए के पटकले। अब पटक के आइए ठेगुनवा लगाए के छतिया पे, अब चार के हुनी दिहलस ना। लगना सार रुपया गिनने की। ठीक बा, बर्दाश्त कर थी। अब चार के हुनी लगल तब मुहे से गजार हुए लगल। अब उठत बा लेकिन गिर जात बा। कल भैया मत मारिए, हम सारा बात को बता देंगे, क्यों मार रहे थे। फौजी जवान बोला, जल्दी बता साले, नहीं तो मारूंगा। ऐसे ही तमाचा थनलस, तबले वो पपियावा कुल बतिये उगिल धलस। भैया भैया सुनी सुनी, ई आरती इनकर पति संजय शहीद। फौजी जवान दिमाग लगाया, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, हम लोग एक ही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे, ए संजय की बीबी। अच्छा तो फौजी जवान कुछ बोला नहीं, सिर्फ सोचा, तो फिर क्यों मार रहे हो। साहब साहब पैसा। पैसा? कौन पैसा दिया? साहब सुनी, इनके 10 लाख रुपया शहीदी रास मिलल बा, इनकर ससुर संपत 9 लाख अपने ली है, 1 लाख महान के दी है। साहब इनके मारे के बा, इनकर बेटा जो हॉस्पिटल में भर्ती बा, ओहू के मारे के बा। हम लोग पैसा के लालच में या कैसन काम करत रही। साहब छोड़ दी साहब, अब ज्ञान हो गए, कभी ऐसन कांड ना कर जाई। फौजी जवान बोला, ठीक है, सोचा कि अगर आज मैं आरती को बचा ले रहा हूँ, सुरक्षित आरती को घर भिजवा दूंगा, तो एक ना एक दिन आरती का ससुर संपत पैसे के चलते आरती और आरती के बेटा को मार डालेगा। हाय हाय हाय। दिमाग लगाया फौजी जवान, चारों बदमाशों से बोला, मेरे संपर्क में रहना, और चारों लोग चले जाओ, जा करके संपत से 1 लाख रुपया ले लेना, इस औरत को तो मैं मारूंगा। अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना, कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। अब वो चारों चल गए, 3-4 दिन बैठल वो टीवीए दिना भर देखन। जब टीवी में पेपर पे कुछो ना आयल तो चारों कहलें कि चल के अपन तनखैया ले लिहल जाए। सुबह सुबह संपत के द्वारे पहुँचल, संपतवा या बहिन बरस करत बा। चारों ही लमवे से खखाए के हंसने कले, ए कक्का कैसन बड़ा उदास हुआ हो कक्का। अब तक कक्का समझ गए ले, तो इशारा कैले अंदर चलो, काला अंदर अंदर। चारों पीछे गली से आई कि अंदर घुस गई ले। अब बरस उरस कही के मुख धोई के बढ़िया से संपत घर में गई ले, तो बुढ़िया से कले, देखलु न बूढ़ा नया लड़का रहा हसु। बड़ा सफा इस काम कैले हम। देखलु टीवी पे बोलले, पेपर में निकलल, कहली न कि अरतिया की मिल के ऐसन खायल जी के पता ना पाई, लीवा 1 लाख रुपया दा। अब बुढ़िया मुचिनात का जात के बक्सा खोले, और वो पपिनिया बुढ़िया के कतो बिटिया के साथ ऐसन भय लाल होत। 1 घंटा में 8 दिन भी होश होत। बक्सा खोलस, 1 लाख रुपया निकाल के वो चरहू बदमाशन के दहलस। चारो बदमाश ले के 9-2-15। अच्छा 9-2-15 कैसे हुई? बहुत दूर है निकल गए। अच्छा अच्छा 9-2-25 और दूर है, गायब हो गया। हाँ 9-2-50 तो अपने घरे पहुंची है। अरे मूर्ख आदमी तू, तो 9-2-11 हो गई लन। अजब बाबू चारों चल गए ना,
तो धीरे धीरे समय बीतल बा, यार कब्बा छोड़ा संपतवा बड़ा खुश बा, 10 लाख रुपया हमरे नाइन ट्रांसफर हो जाई। लेकिन गौर करेंगे मेरे बाबू, जरा से दिमाग आप लोग वहां लेकर के चलिए, सिंधु नदी में जहां वो फौजी जवान डूबल रहल, वहां का होत बा जरा गौर करेंगे मास्टर। अल्लाह का लाइन बा, क्या बात है, मिनट ऐसे ही शांति बनौले रही बाबू, बिरहा का आखिरी भाव समझ ली है। अब उधर सिंधु नदी, वहां से मिलिट्री कैंप में एक मल्लाह जाता है, अभी कुछ फौजी जवान बैठे थे, जाकर के बोला जैन सर, फौजी जवान नीचे से ऊपर देख रहे हैं, अरे साला कौन है, मुझे तो लग रहा है साला पापी पाकिस्तानी है। इसकी शक्ल बता रही है। फौजी जवान के सामने मल्लाह बोला, नहीं सर नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं सर, मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, कुछ दिन पहले की बात है, सिंधु नदी, उसी नदी पर एक हमारी छोटी सी झोपड़ी है, मेरा व्यवसाय है मछली मारना, उसी से जीविका चलता है साहब। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, उस नदी में एक लाश बहते हुए आ रही थी सर, मैंने देखा हिंदुस्तानी वर्दी, मैंने देरी नहीं किया, उस फौजी जवान को नाव पर बिठाया, उठाकर रख लिया और लेकर के बाहर आ गया। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, शहीद हो गया। लेकिन मैंने गौर से जब देखा साहब, तो एक गोली लगी थी कंधे में, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। तो साहब मैंने देरी नहीं किया, तुरंत ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, साहब आराम हो गया है। अब वो जवान अपने परिवार से मिलना चाहता है, तो मेरे पास इतना इनकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है जो मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से बाहर कर दूं और वो सुरक्षित अपने परिवार से मिल सके। हाय हाय, चलिए ना सर मदद कर दीजिए। जब फौजी जवान बाबू हॉस्पिटल में जा करके देखते हैं तो आवाक हो जाते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई संजय तू, मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं, सवाल करते हैं, भाई संजय आखिर तू कैसे जीवित मिला, तू तो शहीद हो गया था। संजय के आंख से आंसू चलने लगा, मुझे याद है मैं 5 आतंकवादियों को मारा, 2 बच गए थे,